हेलो फ्रेंड्स, नॉनिक कर के किचन में आपका स्वागत है। आज बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है और बहुत ही फॉग है। लेट्स गो आउट एंड सी द फॉग। देखा आपने कितनी फॉग है और इतनी ठंड में मेरा तो मन कर रहा है कि गरम गरम सूप पिए। देखते हैं फ्रिज में क्या चीज है। वी हैव मशरूम्स, तो इसी का सूप बनाते हैं आज, मशरूम सूप। अब हम बनाने लगे हैं मशरूम सूप, तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सम ऑयल एज आई यूज आई विल टेल। 150 ग्राम्स मशरूम्स chopped, 50 grams mushrooms very finely chopped, 1/4 teaspoon salt, 4 cups water, 3 cups water extra, 2 cups milk, 1 teaspoon salt extra, 1/2 teaspoon black pepper, 1 cube Amul cheese grated, एंड ग्रीन कोरिएंडर टू गार्निश। गैस ऑन करते हैं और इसको मीडियम कर देते हैं और इसके ऊपर हम ये वाटर रखते हैं और इसमें हम ये मशरूम्स डालते हैं और जब ये रोलिंग बॉयल पे आएगा तो इसको हम 15 मिनट्स के लिए रोल बॉयल करेंगे। देखिए ये रोलिंग बॉयल पे आ गया है। अब इसको हम 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही बॉयल करेंगे और गैस को भी हमने थोड़ा सा आहिस्ता कर दिया है और इधर हम गैस ऑन करते हैं थोड़ी सी आहिस्ता करके। इसके ऊपर फ्रेंड्स नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, इसको रखते हैं और इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑयल। और इसको हम गरम होने देते हैं। अब देखिए ये ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम ये फाइनली चॉप्ड मशरूम्स डालेंगे और ये 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और फ्रेंड्स इसको हम स्टर फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए फ्रेंड्स अब ये हो गया है और इसकी बड़ी खास ये बात है कि जब मशरूम्स को अच्छी तरह रोस्ट करते हैं देगी वो ब्यूटीफुल फ्लेवर। गैस बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल के इस प्लेट में डाल देते हैं। एंड वी विल सेट इट असाइड। देखिए अब ये 15 मिनट हो गए हैं और गैस बंद कर देते हैं और इसको उतार के यहाँ पे रख देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और हमने सीव में से मशरूम्स को अलग कर लिया है और स्टॉक को अलग कर लिया है। अब हम मशरूम्स को मिक्सी की गॉबलेट में डाल देंगे और थोड़ा सा स्टॉक डालेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। इसको हमको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। देखिए अब ये हो गया है और बहुत अच्छी तरह से हैव अ लुक इनसाइड। और अब हम इसको इस पतीले में डाल देंगे और इसका स्टॉक भी इस पतीले में डाल देंगे और ये पानी भी इसमें डाल देंगे
और मिल्क भी इसमें डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए गैस पे रखेंगे। गैस ऑन करते हैं और इसको बॉईल करने के लिए इसके ऊपर रखते हैं। अब इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे, पेपर डाल देंगे और इसको हम लाएंगे रोलिंग बॉईल के ऊपर। और जब ये रोलिंग बॉईल पे आएगा तो इसको हम 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। देखिए ये रोलिंग बॉईल पे आ गया है। अब हमने ये जो रोस्ट किए थे मशरूम्स, ये वो भी डाल देते हैं एंड वी बॉईल इट फॉर अ मिनट। एंड नाउ वी पुट द चीज ऑल्सो, द ग्रेटेड चीज। And we let it boil for 2 minutes. देखिए अब सूप तैयार है। अब इसको उतार लेते हैं और गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसको सूप बोल्स में डालते हैं। और यहां पे रख देते हैं। और दूसरा भी ऐसे ही सूप बोल में डाल के वहीं पे रख देते हैं। और इसको हम ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा सा हल्का सा डाल के तो गार्निश कर देते हैं। मशरूम सूप इज रेडी एंड लेट्स वार्म अवरसेल्फ विद द हॉट मशरूम सूप।